तक तो बहुत अच्छा रहा है। सारे लोग जो मेरे लिए बाहर वेट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिखाया है। जब भी मैं लैंड हुई थी आज सुबह, तब भी उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरा वेलकम किया। और यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। ज़्यादा वक्त नहीं मिला मुझे ज़्यादा घूमने का, लेकिन शायद कल मौका मिलेगा तो मैं बाहर जाके देखूंगी इंदौर में क्या क्या है। एंड इसके अलावा टॉमी की हेल्थ फिगर की हम बात करें, एंड ब्यूटीफुल ग्रीन आपका अटायर है, एंड ये डिफरेंट है, जैकेट बोलेंगे क्या? ये जैकेट ही है, बॉम्बर जैकेट है। एक्चुअली मेरा आउटफिट का हिस्सा नहीं था, लेकिन पहन लिया मैंने क्योंकि ठंड लग रही थी और शायद मैं ये रखूँगी क्योंकि एयरपोर्ट लुक। हाँ एयरपोर्ट लुक। हाँ तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एंड ग्रीन इज योर, हमने सुना आपका फेवरेट ग्रीन है। मेरा लकी कलर है एक्चुअली। मम्मा ने मुझे एक बार बताया था, एक ज्योतिष ने उन्हें उनसे कहा था कि ग्रीन मेरा लकी नंबर है, लकी कलर है। एंड इसके अलावा आपकी अपकमिंग फिल्म भी आ रही है, तो कितना मतलब शूटिंग क्या कुछ स्टेटस है, थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें। जी, शूटिंग जारी है। तख्त की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई, वो अभी तक टाइम है तख्त की शूटिंग के लिए, लेकिन हाँ काम चल रहा है। और क्या बताऊँ। एंड समर, यू नो कि समर सीजन स्टार्ट हो चुका है, हाँ तो आप बताइए कि समर सीजन में क्या कुछ वेयरिंग करना पसंद करती हैं जानी चाहिए? समर में मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो शॉर्ट्स मैं बहुत पहनती हूँ। शॉर्ट्स पहनती हूँ, खादी शर्ट्स पहनती हूँ, कॉटन शर्ट्स पहनती हूँ, कॉटन कुर्ते बहुत पहनती हूँ मैं समर में। और हाँ बस ये अभी फ़िलहाल शायद समर में शूटिंग कर रही होगी मैं, तो तख्त की तख्त नहीं एक दूसरी फिल्म है, तो पायलट ज़्यादा आपको तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास। क्या करें। ओके, तो कुछ यहाँ से आपकी जो सिस्टर है उनके लिए कुछ ले जाने वाले हो? हाँ वो टी शर्ट जो आप देख रहे हो आपके पीछे, वाइट, जी वो बहुत कूल हाँ, है, काम है। वो उनके स्टाइल से बहुत मैच करती है। तो चलिए जाते आते टॉमी के लिए, आपके सारे फैंस के लिए क्या कुछ विश करना चाहेंगे आप? बस टॉमी हिलफिगर को मैं ब्रांड को यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस ब्रांड के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला है। इनके कपड़े और इनके स्टाइल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और बस मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके इंदौर आने का जो मौका इन्होंने मुझे दिया है, और आप सब इन सब लोगों से मिलने का मौका जो मिला है मुझे आज, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस ब्रांड के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा बन गई हूँ सिर्फ आज के लिए। लेकिन हाँ, और मेरे फैंस को मैं क्या कहूँ, बस थैंक यू आप सब लोगों के प्यार के लिए, और आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा और स्पेशल महसूस कराया हमेशा, तो थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। और एक छोटा सा करेंगे ओके। सो ईरा जी, सबसे पहले तो बताइए कि इंदौर की ये जो सिटी है, इंदौर आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले हेलो, हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलके फिर से। बहुत अच्छा लग रहा है। इंदौर में पहली बार आई हूँ लाइफ में, तो एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अपनी जो नाटक हैं, जो प्लेज हैं, मैं हर छोटे छोटे जगह पे भी मैंने जाके परफॉर्म किया है, तो मैं बहुत खुशी से बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि मैं सब जगह परफॉर्म की हूँ ये वो। तो मैं जब आई थी, मैं कल रात को सोच रही थी, बहुत ऐसे ऐसे बैठ के सोच रही थी कि एक्चुअली इंदौर तो मैं नहीं गई हूँ कभी भी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। आई होप दैट आई विल ब्रिंग अ प्ले ऑफ माइन एंड कम बैक हियर एंड परफॉर्म हियर सून। पहला जो इम्प्रेशन था वो जो एयरपोर्ट का जो रोड था, मैंने पढ़ा था कि ऑब्वियसली थर्ड टाइम इन अ रो दे गॉट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, और मैं ज़्यादा मतलब मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि क्या है, यू नो व्हाट इज़ इट। तो दैट फर्स्ट रोड दैट आई सॉ द एयरपोर्ट रोड, बहुत ही शानदार था, बहुत ही सब साफ था, बहुत ही ब्यूटिफुल था। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट दे आर कीपिंग द सिटी सो क्लीन। वी शुड लर्न समथिंग। हाँ, तो जानवी सोनम की ऑफकोर्स कज़िन है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो कॉन्फिडेंस है, मैं काफ़ी फ़ैन हूँ उनकी। मैं ये सेकेंड टाइम मैं मिल रही हूँ उससे। एक्चुअली वी ओनली मेट लाइक दिस एट डिफरेंट इवेंट्स, वी वर टेलिंग ईच अदर दैट, एंड शी इज़ ऑल्सो द फेस ऑफ नायका। तो मैं वहाँ उनसे मिली थी, तो ऐसे ही इवेंट्स पे मिलते रहते हैं, एंड आई फाइंड हर वेरी कॉन्फिडेंट। उसमें बहुत ही इनर जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर कॉन्फिडेंस है, आई रियली लाइक दैट अबाउट हर। शी हैंडल्स हर सेल्फ, कैरीज हर सेल्फ वेरी वेल।
तो आई होप शी हैज अ वेरी वेरी ब्राइट लॉन्ग फ्यूचर. आई विश ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव. समर सीजन एंटर कर चुका है और तो हम ये समझे कि आपका समर सीजन है. अच्छा, ड्रेस के मुताबिक तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये सिल्क ड्रेस है. सिल्क तो कभी पहनते नहीं है हमारे इंडियन समर में, तो कभी भी नहीं. ऐसे पसीना मतलब छूट रहा होगा दिन भर. तो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड फैब्रिक फॉर इंडिया सिल्क, पर इवनिंग के लिए, क्योंकि जो न्यू कलेक्शन है टॉमी हिल्फिगर का वो 70s जो डेकेड है वो 70s से इंस्पायर्ड है. तो जो लूज पैंट्स होते हैं, वो बड़ा कर्ली कर्ली हेयर होता है, वो राउंड बड़े हुप्स होते हैं, वो सब 70s का लुक है. तो सिमिलरली ये ड्रेस भी वहाँ 70s से इंस्पायर्ड है. वो वहाँ पे सैटिन पहनते थे, सिल्क पहनते थे, ये लॉन्ग स्लीव कट्स के साथ पहनते थे, स्लिट सब जगह. तो मतलब ये अंडरस्टेटेड सेक्सी ग्लैमर काइंड ऑफ लुक. सो ऐसा है. सो और वाइट तो कलर है समर का. इसके अलावा यू नो इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज इस समय प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे सीजन पे आपकी मिशेल रमी से जिन्ना के ऊपर आप प्रोडक्शन कर रही हैं, तो यू नो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है. आई थिंक कंट्रोवर्सी से डरना इज द मोस्ट वीक थिंग दैट एन आर्टिस्ट कैन डू. जो आर्टिस्ट लोग हैं वो नहीं रिस्क लेंगे और वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा. मैंने कभी अपनी लाइफ में, अपनी करियर में ये नहीं सोचा है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी या ये रोल नहीं कर पाऊँगी या ये स्क्रिप्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इससे कुछ मतलब हलचल होने वाला है. कभी भी नहीं. तो अभी मैं क्यों शुरू करूँ? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे अगेन मिलकर बहुत खुशी हुई. आपके क्वेश्चंस हमेशा ऑन पॉइंट हैं और ऑन फायर हैं. और आई थिंक टॉमी हिल्फिगर के साथ मेरा एसोसिएशन इंशाल्लाह चलता रहेगा. वो बहुत ही आइकॉनिक अमेरिकन ब्रांड है. उनके बारे में मुझे यही कहना है कि यू नो व्हेन यू लुक एट द स्टोर आपको अमेरिका के कलर्स याद आ जाते हैं, अमेरिका के फ्लैग के कलर्स, क्योंकि वो इतना आइकॉनिक क्लासिक अमेरिकन ब्रांड है. वो जो स्ट्रीट स्टाइल और अंडरस्टेटेड लग्जरी यू नो जो दिन से रात में जा सकता है, स्नीकर्स लेकिन बहुत सुंदर कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े, उनका ये क्लासिक सॉर्ट ऑफ ये लुक है, उनकी यूनिकनेस है. तो टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक दिस इन इंडिया, जब उनके पास 290 डोर्स हैं ऑलरेडी इन इंडिया, इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक फॉर मोर. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी.